हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस उपास से। और सामने जो आप ये फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है वीवो नेक्स 3 5G। जी हाँ, अभी इंडिया में नहीं आया है ये फ़ोन। मैं कहीं गया था और मुझे मिल गया, तो मैं सोचा जल्दी से इसका वीडियो बना लेते हैं। तो यार फ़ोन की बात कर लेते हैं। आगे फ्रंट में आपको मिलता है OLED डिस्प्ले SDR10 के साथ, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD+, और साइज़ है 6.89 इंच का। तो यार देखो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ना ये यू नो इन हैंड फील इसका, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा हैवी है, लेकिन आपके अगर आपके हाथ बड़े हैं तो कोई परेशानी आएगी, छोटे हाथ वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। साथ में यहाँ पर आपको आगे वाली साइड पे इसमें अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं तो यार मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आपको कोई बटन नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे आप देखोगे तो राइट स्पाइन पर जो हैप्टिक बटन्स मिल रहे हैं, यानी कि है ना फिजिकल बटन नहीं है ये, आप जैसे वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का, और बीच में एक टैक्टाइल फीडबैक वाला एक यू नो एक थोड़ा सा एक बटन दिया, तो आप जिनको प्रेस करोगे ऑफकोर्स ये रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ये फिजिकल बटन नहीं है। वैसे ही ऊपर की तरफ यार आपको ना 3.5mm जैक मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। पॉपअप कैमरा है इसके अंदर, उसका कटआउट है, और साथ में यहाँ पे इसका ये एक लौता फिजिकल बटन है, जो कि आई थिंक फ़ोन को बंद और यू नो चालू करने के काम में आता है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे आप जाओगे तो USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल्स है, और इसकी सिम ट्रे मिल जाएगी। ऑफ कोर्स डुअल सिम फ़ोन है। पीछे की तरफ आप अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सर्कुलरली अलाइन 3 कैमरास, 64 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का, और फिर से 13 मेगापिक्सल का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी यू नो इन्होंने प्लेसमेंट रखी है। और नीचे आपको नेक्स्ट 5G लिखा हुआ मिल जाएगा। बैक पैनल को आप देख सकते हैं, काफ़ी फिंगरप्रिंट के निशान लगे हुए हैं, और लेफ्ट स्पाइन पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। जी हाँ, ये इस तरीके से बाहर आता है और फिर वैसे ही अंदर चला जाता है। तो ये तो हो गई इसके डिज़ाइन और कैमरास की बात, तो सीधे बात कर लेते हैं इसके इंटरनल्स की। तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोसेसर। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 855+, 12 GB की रैम है और 256 GB की स्टोरेज है, और बैटरी आपको इसमें मिलती है 4500mAh की, जो कि 40W की फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो यार परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं होंगे, और साथ में इसमें आपको कुछ कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। तो यू नो ऐसे लॉन्ग गेमिंग सेशंस में ये थोड़ा फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के काम में आती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था एक काफ़ी क्विक लुक वीवो नेक्स 3 5G का। इसकी जो चाइना में प्राइस है वो इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ लगभग 50,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। नो डाउट फ़ोन काफ़ी सही है, लोडेड भी है, लेकिन वीवो के लिए आप 50,000 रुपये देना चाहोगे या नहीं, या फिर आप इस फ़ोन का वेट कर रहे हो या नहीं, या इसका और कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, मुझे कमेंट करके बताओ। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।